केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बात करने वालों को दो टूक जवाब दिया। शेखावत ने कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और ये मोदी जी का भारत है। सपने में भी ऐसा सोचने वालों को उनके साथ क्या होने वाला है, उन्हें आप ही समझ लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश में उपजे हालातों पर शेखावत ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था, अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है। वहाँ हालात सुधरे, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था पटरी पर आए, वहाँ सरकार का अस्तित्व स्थापित हो, पूरा विश्व इसको बहुत गंभीरता के साथ देख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, ऐसी बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों ने इस तरह की टिक्का टिप्पणियां भी की है, भारत में इस टेम्पलेट को दोहराने की बात की है, वो शायद ये नहीं जानते ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और ये मोदी जी का भारत है। ऐसा करने वालों को अपने आप ही समझना चाहिए। सपा सांसद जया बच्चन के राज्यसभा में किए व्यवहार और सभापति पर की टिप्पणी के संबंध में पूछे जाने पर शेखावत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार या बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे, यह भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में नितांत अस्वीकार्य है। दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो मन दुखी होता है। शेखावत ने कहा कि अभी हमने राजस्थान विधानसभा में इसी तरह की घटना देखी थी, जिस तरह के शब्द का प्रयोग आसन के लिए किया गया था, वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतनी भर्त्सना के बगैर नहीं रह सकेगा। राजस्थान को स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिले 4 सर्किट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन एक बात सभी को समझनी होगी कि टूरिज्म संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कालखंड के समय ये सर्किट दिए गए थे। आने वाले समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में और किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में काम होगा। राज्य सरकार से यदि टूरिज्म को लेकर प्रस्ताव मिलेंगे तो गंभीरता के साथ में विचार भी करेंगे और उनको आगे भी बढ़ाएंगे। जोधपुर एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम इस स्थिति में होंगे कि एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर सके। लगभग 45% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल आसन के प्रति, आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से या व्यवहार से या अपनी बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे और सहआशय करे, लोकतंत्र में और भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में ये नितांत अस्वीकार्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित ही मन को दुख होता है। अभी हमने देखा राजस्थान में भी इसी तरह की विधानसभा में घटना हुई थी और जिस तरह के शब्द का प्रयोग आसन के लिए किया गया था, इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था, मुझे लगता है कि इस कहीं कोई भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति उसकी भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकेगा। लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा कि टूरिज्म संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि यह सर्किट पूर्ववर्ती राज्य सरकार के समय में जो योजना बनी थी पिछले माननीय मोदी जी के दूसरे कालखंड के समय में, उस योजना के तहत सबमिट किए गए थे और विशेष सभी सर्किट रुके थे, लेकिन राजस्थान के हैं ऐसा करके एक बार उन सर्किट्स को अनुमति प्रदान की है। आने वाले समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरे क्षेत्र में और हम किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार से जो मिलेंगे उन पर निश्चित ही गंभीरता के साथ में विचार भी करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है और वहाँ के हालात सुधरें, ठीक हालात हों, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था और जो है वो सरकार का अस्तित्व स्थापित हो, पूरा विश्व इसको और बहुत गंभीरता के साथ में देख रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों ने जिस तरह के टीका टिप्पणियाँ की है
भारत में इस टेम्पलेट को रिपीट करने की बात की है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, और भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है। ऐसा करने वालों को सपने में भी शायद कहीं जो सोचेंगे उन लोगों को अपने भविष्य को अब जो है अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है।